नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। यूपी का हाल जैसा भी हो, लेकिन सीएम योगी हर हाल में जन जन के नेता हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी जी सिर्फ जमीन पर ही एक्शन मोड पर नहीं दिख रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो धाक जमा रहे। अपने भाषणों और इरादों से मात्र 2 साल के अंदर करोड़ों के फैंस बन गए। देश भर में सोशल मीडिया पर योगी लोगों की चौथी पसंद हैं, जबकि पीएम मोदी पहले हैं। वहीं देश में जितने भी सीएम हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, अगर बीजेपी के सीएम की बात कर लें, उनके हिसाब से भी अगर कंपेयर करें, उन सभी में योगी को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यानी शिवराज, रमन, वसुंधरा को भी योगी जी ने सोशल मीडिया पर मात दे दी। भले ही यह खबर कॉमन सेंस ज़्यादा और पॉलिटिकल कम लगता हो, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये खबर पॉलिटिकल माइलस्टोन की तरह है। तो क्या माना जाए, जिस तरह से योगी सोशल मीडिया पर अपनी पहचान का विस्तार कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए करने की तैयारी है। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नैया मोदी के बाद योगी ही पार लगाएंगे? मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद का सियासी फायदा बीजेपी को मिलना तय है। वहीं विपक्ष योगी के मैजिक से इत्तेफाक नहीं रखता है। जहां सोशल मीडिया पर सीएम योगी का जलवा लगातार बढ़ रहा, ट्विटर पर सीएम की लिस्ट में योगी नंबर 1 बन गए। ट्विटर इंडिया ने सीएम की लिस्ट जारी की। साल 2018 की बात करें तो सीएम योगी सबसे लोकप्रिय सीएम बन गए। वहीं देश के सबसे चर्चित हस्तियों की बात करें तो उसमें भी योगी चौथे नंबर पर है। राजनेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर पीएम मोदी, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, तीसरे नंबर पर अमित शाह और चौथे नंबर पर सीएम योगी हैं। पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से सीएम योगी सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर तरफ उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ट्विटर इंडिया की ताजा रैंकिंग में योगी चौथे नंबर पर पहुंच गए। ट्विटर पर सीएम योगी के फॉलोअर्स की संख्या 2015 में जहां 2644 थी, वहीं अब यह आंकड़ा 31 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं फेसबुक की बात करें तो 19 मार्च को शपथ लेने के दिन जहां 15,259 लोगों ने उनका पेज लाइक किया था, अब यह आंकड़ा 56 लाख को पार कर गया है। राजनेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर वैसे तो पीएम मोदी हैं, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, तीसरे नंबर पर अमित शाह और चौथे नंबर पर सीएम योगी हैं। लेकिन सीएम की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं योगी। हाल ही में बीजेपी की स्टार प्रचारक भूमिका ने योगी की लोकप्रियता के ग्राफ में 4 चांद लगा दिया है। देश के 4 राज्यों MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में योगी ने धुआंधार रैली की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस बढ़ते गए। ट्विटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में अब तक पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर सबसे चर्चित चेहरे रहे हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सहित अन्य जगहों पर उन्हें पसंद करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। गूगल ट्रेंड में भी योगी का ग्राफ बुलंद है। देश और दुनिया के तमाम शहरों से लोग गूगल पर उन्हें गोरक्षपीठ और नाथ पंथ को सर्च कर रहे हैं।
यूट्यूब पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कई चैनल्स पर उनके पुराने वीडियो को नए शीर्षक के साथ नए कलेवर में अपलोड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीएम योगी का मैजिक किस तरह का मैजिक है? विपक्ष भले इत्तेफाक ना रखता हो, कई तरह की आलोचनाएं और कई तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन देखिए, अगर जन जन के नेता का कोई पैरामीटर है तो सोशल मीडिया आज के समय में है। सोशल मीडिया पर आपको जितने लोग पसंद करते हैं, समझिए कि आप उतने ही लोकप्रिय हैं। चाहे आप पॉलिटिक्स में हों, चाहे आप सोशल वर्क कर रहे हों, या फिर एक आम जनता की तरह लोगों का ख्याल रखने वाले हों, लेकिन अगर लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब कि जन जन तक आपकी पहुंच बढ़ रही है। कई तरह की प्रतिक्रिया आई है इस पर, पहले देखते हैं। इसके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और भी तमाम मुद्दों में नंबर एक पर हैं, जैसे बाल अत्याचारों के खिलाफ यानी पास्को की सबसे ज़्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। महिला अत्याचार बलात्कार के मुद्दे पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे नंबर पर हैं। हत्या के मामले में अगर देखें तो जो हत्या का ग्रोइंग रेट है उत्तर प्रदेश उसमें नंबर एक पर है। किसानों के मामले में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा धोखेबाजी किसानों के साथ उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसमें 1 से 500 रुपये तक 12,000 किसानों के कर्ज माफ़ी किए गए। और गड्ढे से होने वाली मौतों में देखें तो पूरे देश में पिछले 5 सालों में 15,000 के लगभग मौतें हुई हैं, जिसमें से 7 से 8 हज़ार मौतें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 15 जून तक ही वो पूरी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे 2017 तक। ये अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जनता में इनकी पोल खुल चुकी है। अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के 4 उपचुनाव हुए हैं, 4 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। सवाल ये है, जिन चीज़ों से लोकप्रियता का मूल्यांकन किया जाता है उन चीज़ों से मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। ये अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिनकी पोल 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में खुल जाएगी। पूरे देश में पॉपुलरिटी का तो आप सब मीडिया के मित्र अच्छे से देख ही रहे हैं कि पूरे देश में जहां चुनाव हो रहा है वहां योगी जी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और ट्विटर कोई सरकार का तो आधिकारिक है नहीं, जो उसने सूची जारी की है वो उसकी अपनी सूची है, उसके हिसाब से अगर उसने रैंकिंग रखी है उसमें लोकप्रियता के उस पायदान पर वो हैं तो वो हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस ऊंचाई पर हैं तो अपने कार्यों से हैं, जो विकास के कार्य उन्होंने किए, जो प्रदेश को आगे बढ़ाया, प्रदेश तमाम चीज़ों में नंबर वन हुआ, उस कारण योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही और उत्तरोत्तर भी बढ़ती जाएगी। चलिए, जितनी पार्टियां, जितने नेता, उतनी तरह की प्रतिक्रियाएं और सब अपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से इस तरह की चीज़ों को देखने की कोशिश होती है। लेकिन मैं पहले ही बोला था कि इस खबर में कॉमन सेंस हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली कितनी रिच इसे मानी जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले अगर हम उससे पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी के नेतृत्व में चुनाव को लड़ा गया था, लेकिन इस बार बीजेपी के पास और भी कई ऐसे नेता हैं पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा, जिस पर बीजेपी हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसकी बीजेपी की निर्भरता बढ़े। उस लिहाज से क्या सीएम योगी की चर्चा की जा सकती है? सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनके फैंस बढ़ रहे हैं वो भी एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। और बीजेपी हो सकता है कि सीएम योगी को लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ अधिक तवज्जो भी दे सकती है। इस वक्त 4 मेहमान हमारे साथ हैं। जितेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के नेता। जितेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। AK मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। AK, बहुत बहुत आपका स्वागत है। फखरुल हुसैन जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। हसन जी, स्वागत है आपका। और कुमार अशोक पांडे जी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका कुमार जी। सबसे पहले AK के पास आते हैं। AK, एक बात शुरू में, सबसे पहले जब शो की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त एक मेरी तरफ से एक बात कही जा रही थी कि सोशल मीडिया पर योगी जी छाए हुए हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, फैंस की संख्या लगातार बढ़ रही है, और देश भर में अगर हस्तियों के हिसाब से बात करें तो चौथी हस्ती बन चुके हैं पॉलिटिकली अगर बात करें तो। और वैसे अगर सीएम के तौर पर देखें तो पहली जितने भी सीएम हैं उसमें सबसे पहली पसंद योगी जी लोगों के लिए बन चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं दूसरे सेंस में बात करना चाह रहा हूँ। अगर एक कॉमन सेंस की बात करें तो सोशल मीडिया की के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनको अच्छा लगेगा इस बात को, चलिए ठीक है योगी जी के फैंस बढ़ रहे हैं, मोदी जी के फैंस बढ़ रहे हैं, राहुल जी के फैंस बढ़ रहे हैं, अमित शाह के फैंस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव होना है AK, और उस लिहाज से
मात्र 2 साल के अंदर जहां पर 1,000, 2,000, 4,000 फैंस हुआ करते थे योगी जी के, आज लाखों में पहुंच गए, है ना। ट्विटर पे तो 56-57 लाख तक पहुंच गए। थोड़ा सा इसका एक एक्सपैंड करके इस नज़रिए को हम समझना चाह रहे हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा साइंटिफिक है और पहले फेज में जो मैं एनालिसिस करूंगा साइंटिफिक करूंगा, न कि नेताओं की तरह या पॉलिटिकल, कि कौन सक्सेस हुआ, कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए आप 20 साल पहले 25 साल पहले देखिए कौन कितना बड़ा फिल्म का हीरो है, ये होता था कितनी टिकटें बिकी, कितने बार कितने लोग देखने गए। लेकिन आज जो भी सेलिब्रिटी है उनका एक पैरामीटर ये भी है देखने का कि फेसबुक पे ट्विटर पे उनके कितने फॉलोअर हैं। साइंस के इस एज में सोशल मीडिया एक ऐसा पैरामीटर बन के उभरा है जिसने पॉपुलैरिटी को नापने के सारे मापदंड तौर तरीकों को पीछे छोड़ दिया, बदल दिया है। इसको मानना पड़ेगा, विपक्षी पार्टियां माने या ना माने, आंख बंद कर ले, बात दूसरी है। अब रही बात योगी की, देखिए इमर्जेंस ऑफ ए ट्रू लीडर या लीडरशिप स्टाइल, ये चीज आपको योगी से मिलेगी। योगी को मैं कई मामलों में कर्मयोगी भी मानता हूं, भले ही विकास कम हो या ज्यादा हो। योगी जी आगे बढ़ने के लिए इन्होंने कभी किसी नेता के पैर नहीं पकड़े। आप याद करिए इनकी अपनी हिंदू वाहिनी होती थी, पहले ये बीजेपी में नहीं होते थे, इन्होंने अपने आप से संघर्ष करके आगे बढ़े। और यही रीजन था कि इनकी प्रतिभा और दबाव को देखते हुए लखनऊ में जब चुनाव हुए थे यूपी के, तो मुख्यमंत्री की रेस में कई लोग थे, लेकिन दबाव में आके पूरी बीजेपी आरएसएस को निर्णय लेना पड़ा कि योगी को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आप और ये देखिए, जब आदमी कर्मनिष्ठ होता है और हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखता है तो उसकी ख्याति चारों तरफ फैलती है और सोशल मीडिया इसी को परिलक्षित कर रही है। मेरा पूछने का मतलब हुआ, क्या इसे इस खबर को इस तरीके से देखा जाए कि कॉमन सेंस वाली खबर है, इस तरह की जानकारी हर लोगों को हो जाती है, सोशल मीडिया पर हम आप सभी होते हैं, या पॉलिटिकली इसे रिच खबर माना जाए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, या फिर एक चीज और समझ लें, या फिर बीजेपी के लिए एक माइलस्टोन की तरह इस वक्त योगी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इसको केवल रिच नहीं, इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली रिच जो है आप खबर मानिए। देखिए इस खबर से क्या होगा, एक तो पब्लिक में इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग और मतलब बोलेंगे हाँ भाई योगी के अंदर दम है, वो लीडर है, क्योंकि जिसके बारे में 100 लोग बोल रहे हैं तो हम आप भी उसके बारे में हमारा परसेप्शन बनेगा। दूसरा सबसे स्ट्रेटेजिक रिच इसलिए है कि जो विरोधी दल के जो नेता है जिनके पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का तो कोई चेहरा ही नहीं है यूपी में, समाजवादी पार्टी के पास जो है वो सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, बसपा की बहन जी भी एक बहुत अच्छी नेत्री हैं लेकिन एकदम सोई हुई हैं, तो उनका मनोबल भी देखिए, ये वॉर है पूरा का पूरा जो इलेक्शन होता है या पॉलिटिक्स, तो उनके मनोबल को डाउन करने के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार है जो बीजेपी यूज कर रही है। तीसरा क्या है, मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आरएसएस या बीजेपी कुछ ऐसा डिसाइड करे 2019 के इलेक्शन में या कालांतर में कि भाई मोदी जी का अब विकल्प कौन है, तो यहाँ पे भी इस चीज को देखा जा रहा है योगी है। जी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। मैं समझ गया, मैं देखिए जो मैं समझना चाह रहा था आपसे दरअसल वो बहुत आखिरी में आकर के आपने कहा और इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे कुमार अशोक पांडे जी, बीजेपी के नेता। कुमार साहब एक बात बताएं, एके ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विकल्प कौन होगा, क्या वाकई में जिस तरह से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि पूरी तरह से योगी एक्शन मोड में है, भ्रष्टाचार को लेकर, क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में अपनाई जा रही है, अपने भाषणों और अपने इरादों से योगी लोगों का पसंदीदा नेता बनते जा रहे हैं, आप कई तरह की रैलियों में गए, अलग अलग जो विधानसभा का चुनाव हुआ अपनी रैलियों में अपने भाषणों के जरिए काफ़ी उन्होंने सुर्खियां बटोरी और इस दरमियान भी काफ़ी फॉलोअर्स उनके जुड़े हैं। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं आपसे कि एक विकल्प के तौर पर एक बेहतरीन मौका आप लोगों को दिख रहा है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, थोड़ा सा क्लियर करें विजन। बहुत अच्छी बात आपने रखी है कि अगर किसी व्यवस्था में जिस समय पर 19 तारीख को इन्होंने सत्ता संभाली माननीय योगी जी ने, उसके बाद उन्होंने सीधी तरह से एक्शन प्लान फॉर यूपी एक निर्धारित कर दिया, ये उस समय पर इनको सत्ता मिली जिसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ था, पूरी तरह से अविश्वास की स्थिति थी, अस्वास्थ्य की स्थिति थी, पूरा भ्रष्टाचार और एक कैंसर की स्थिति में यह प्रदेश बीमारू प्रदेश के रूप में विकसित था, जहां पे भ्रष्टाचार बोल रहा था अब बीमारू नहीं। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया और राज्य सरकार का जो केंद्र सरकार की व्यवस्था थी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेके आगे बढ़े, प्रदेश को स्वच्छता, स्वास्थ्य सामर्थ्य
और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करके कार्य किया। अब आप देखिए इंसेफ्लाइटिस यहां से गायब हो गया, उसके आंकड़े आपकी टीम में साहब ये सब आए थे उस कुमार साहब की बहस में भी, कुमार साहब इंसेफ्लाइटिस यहां से गायब हो गया। हमारी तरफ से कह दीजिए जो मरने वालों की संख्या थी, हमारी तरफ से कह दीजिए। देखिए सरकारी योजनाओं की सफलता, सरकारी योजनाओं की जो सफलता होती है, जो विफलता होती है, कामयाबी नाकामयाबी होती है मीडिया की नजर होती है, एक्शन प्लान उनका हम लोग की तरफ से कहा गया। मैं आपसे सवाल क्या किया, मेरा सवाल ये था एक्शन क्या आप लोग क्या सोचिए कि सरकारी स्कूल के बस्ते जो अखिलेश जी ने जो नहीं मेरी एक लाइन मुझे पूरी कर लेने दीजिए, उनकी उदारता की बात मैं करना चाह रहा हूं, जिसमें अखिलेश यादव के फोटो बने हुए थे बस्ते पर, उस बस्ते को भी योगी जी ने फेंकवाया नहीं, उन बस्तों को भी स्कूलों में बांटने के लिए भेज दिया, तो एक उदार हृदय उनका दिखा। तो जब कोई व्यक्ति उदारता का परिचय देता है, उदार हृदय से कार्य करता है, सबका साथ सबका विकास लेके चलता है, यही कारण है कि पूरे देश में और भी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री की इतनी डिमांड नहीं है, सिर्फ पूरे देश में योगी को बुलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि विकल्प वाले सवाल को सुनना ही नहीं चाहते या सुन करके आप इग्नोर कर रहे हैं। सीएम नंबर वन योगी है तो यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प की बात ही नहीं है। अरे सर, पीएम के विकल्प की बात हो रही है, सीएम की नहीं हो रही है। मोदी जी भी पहले सीएम नंबर वन। एक मिनट, देखिए मेरा सवाल देखिए कुमार साहब, ये था मैं आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। मोदी पीएम नंबर वन है लोकसभा चुनाव के हिसाब से बताया ना कुमार साहब, मुझे पता है आप नहीं, आप जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में विकास प्रचार करेंगे। चलिए ठीक है मुझे, मैं समझ नंबर वन है पूरे देश में, वो तो मैं भी चला रहा हूँ कुमार साहब, वो तो मैं भी चला रहा हूँ, आपके कहने से क्या होगा, मैं भी चला रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं सीएम नंबर वन नहीं चला रहे हैं और पीएम नंबर वन नरेंद्र मोदी है। चलिए ठीक है, हम थोड़ी देर के बाद लौटते हैं आपके पास कुमार साहब, कुछ कठिन सवाल भी हो सकते हैं आपसे, थोड़ा तैयार रहिएगा आप। लेकिन फखरुल हसन जी इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता, देखिए बहुत सारे आरोप हसन जी आपके ऊपर एक सांस में जो है कुमार साहब ने लगा दिए कि कुछ नहीं दिया आप लोगों ने, 5 साल राज किया, उससे पहले मुलायम सिंह यादव ने राज किया और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के ढांचे को, मूलभूत ढांचे को आप लोगों ने ध्वस्त किया, विकास की जो हैसियत थी 2-4-5 शहरों तक जाकर सीमित हो गई, 2-4-5 जिलों तक जाकर सीमित हो गई, लेकिन ढिंढोरा जो है पूरे देश में खूब पिटने का काम आप लोगों ने किया हसन साहब, और यही वजह है कि 2 साल में मोदी के प्रयास जिस तरह से पूरे देश के लिए है, उसी तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, विपक्ष वाले खूब लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, देखिए 2 साल तो लगेगा करने में। देखिए आप जी, देखिए आप मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं बात अभी फिल्मों की हो रही थी, वो टिकटों की हो रही थी कि टिकट कितने बिकते हैं, उस तरीके से किसी की प्रसिद्धि को तय किया जाता है, मापा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सलमान खान इस देश के बहुत बड़े हीरो हैं, उनकी एक मूवी आई थी रेस, एक नंबर की घटिया मूवी थी, लेकिन उसकी जो कमाई थी वो 300 करोड़ रुपए की पहुंच गई थी। तो ये जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ये अपने काम का आकलन कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आकलन है ये सरासर गलत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, प्रदेश में विकास के काम जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में शुरू किए गए थे और जो खत्म कर दिए गए थे, जो शुरू हुए जो खत्म हो गए थे, उनका फीता काटने का काम किया जा रहा है। विकास का एक काम इन 1.5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है उसने नहीं किया। जो सड़कें थी, कहा कि सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाएंगी 3 महीने में, लेकिन सड़कें गड्ढे मुक्त नहीं हुई, पूरे प्रदेश की सड़कें पेमन की तरह आपने पैच लगा दिए, आपने दिया होगा ना, बची ही नहीं है। हसन साहब आपने उपहार में दिया ना योगी जी को, मेरे मित्र अभी कह रहे हैं हसन जी आपने उपहार में दिया, गिफ्ट में दिया, आप लोगों को तो पता था कि सरकार रहेगी नहीं, सारी सड़कें खराब कर दो, सारे बंगले खराब कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, जितना भ्रष्टाचार मिटाना है, जितना भ्रष्टाचार मिटाने की जरूरत थी, भ्रष्टाचार हमारे उपहार को आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे उपहार का आज भी उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए और बाकी का सड़कों का बुरा हाल,
कानून व्यवस्था पर सरकार चली गई, ये भी तो उपहार था, इसका भी तो जिक्र करें। चलिए कोई बात नहीं, सड़के कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, नहीं बोलेंगे विपक्ष में है, विपक्ष में है तो आपने जैसे कहा ना थोड़ी देर पहले कि मीडिया वाले आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं भी कह रहा हूँ विपक्ष वाले, विपक्ष में बैठने वाले लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, नेताओं की हत्याएं हो रही है, इसी पैरामीटर में खड़ा होकर बोलते हैं क्या क्या चौधरी साहब, आखिर मैं जानना चाहता हूँ, यही काम तो आप लोग कर रहे हैं बस, या फेसबुक या सोशल, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं हो, दो तीन लाइन रट लेना है कि योगी जी का विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, आपने इनकी प्रसिद्धि का, देश का विकास कैसे होगा, इस पर कोई विजन विजन की प्रसिद्धि को सोशल नेटवर्किंग साइट से कैसे जोड़ दिया, जो जिस काम को लेकर के बीजेपी से नफरत होती थी आप लोगों ने, जो हम लोगों ने जो लेकर के उसी ट्रैक पर आप लोग चलने लगे, राहुल गांधी को सपने में भी नहीं देख सकते, मैं भी देख रहा हूँ क्या बिहेवियर उनका है, देखो ऐसा है ना, रैलियों को लेकर, रैलियों से पहले कहां कहां जाते हैं बंदे मुझे पता है कि लंबी फेहरिस्त है, बहुत बड़े बड़े उपहार आपने दिए हैं बीजेपी को, सिर्फ मैं तो बीजेपी वाले बैठे हैं मीडिया पे, मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, योगी जी के ऐसे 10 काम बता दें हमें टीवी चैनल बैठ के, जो ये विकास की जो पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी बड़ाई स्वयं करना, पब्लिक के बीच में कोई बड़ाई नहीं, मुझे एक चीज बता दी, इन्होंने सबसे पहले तो धोखे का काम किया पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, जो ये कह रहे थे हम पहले बहाना भरते थे, अब यूपी में सरकार किसी और की है, केंद्र में किसी और की है, अब तो यूपी में भी सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी है, सबसे पहला तो धोखा जनता को ये दिया इन्होंने, राम मंदिर बनाने के लिए कहा था, मैं तो कह रहा हूँ केंद्र में यूपी में दोनों की में सरकार इनकी है, इनमें दम है तो पहले मंदिर बना के दिखाएं, नहीं तो विकास की बात तो ये दूर दूर तक इनके नजदीक नहीं, दूसरा सुन लो की बात करिए ना, सर मैं विकल्प बता रहा हूँ, विकल्प योगी जी क्या विकल्प बन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, योगी जी कोई विकल्प नहीं बन रहे हैं, चर्चा क्या है, योगी जी चर्चा के हिसाब से बात करें चौधरी साहब, मैं बिल्कुल बिल्कुल वही आ रहा हूँ, अनाप साहब मैं आज का सब्जेक्ट क्या, आज का सब्जेक्ट बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बताइए सोशल मीडिया पर योगी जी को जब सीएम नहीं थे 5-7 हजार लोग फॉलो करते थे, 10,000-15,000 कहीं कहीं फॉलो करते थे, अचानक 2 साल के अंदर कहीं कहीं पर 56-57 लाख 68 लाख हर जगह किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए लाखों की संख्या है, अचानक बहुत सही तो कहा इन्होंने, देखो एके साहब ने बहुत सही कहा कि या कुमार साहब ने कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल इसमें कोई मसला तो है नहीं फेसबुक और ट्विटर को लेकर, ये तो आम जनता की पसंद है और स्वेच्छा से लोग पसंद कर रहे हैं, मैं इस पर पूछ रहा हूँ, मैं इसी पे बता रहा हूँ, मैं उसी पे आना चाह रहा था, इस पर बात करें ना, सिर्फ 3 मिनट मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है ट्विटर के जो फॉलोअर्स होते हैं, सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स होते हैं, कोई भी चीज़, जैसे एक दक्षिण की लड़की थी जो एक वैलेंटाइन डे पे उन्होंने इशारा किया था, तो और क्या यहाँ पे यूपी में नहीं है बात हो गई चौधरी साहब, नहीं नहीं कंपेयर भी करने का विकास के यदि विकास के नाम पे इनको फॉलो अगर यही बात बीजेपी वाले राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे तो आप लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, चलिए लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चारों मेहमान हमारे साथ बने रहे, ब्रेक के बाद पैनल खुलेगा और जिन्हें जहां होगा बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं, अगर कोई गलत बात कर रहा है बिल्कुल काउंटर करके अपनी बात रखें, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। We'll be right back.
जहां ब्रेक के बाद स्वागत है। बीजेपी के लिए योगी मैजिक की तरह काम करेंगे, और मैजिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है, बहुत ही कम वक्त रह गया है, तो अब तो एक बड़े इमरजेंसी की ज़रूरत है। एक बात जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ब्रेक से पहले, कि इस खबर में कॉमन सेंस ज़्यादा लगता, पॉलिटिकल कम लगता, लेकिन अगर यही कॉमन सेंस आम लोगों के बीच में, जन जन में अगर किसी नेता के बारे में ज़्यादा डेवलप हो जाए, ज़्यादा विकसित हो जाए, तो एक बड़े मूवमेंट की तरह काम करता है। और वाकई में क्या इस तरह का एक मूवमेंट दिख रहा है जो योगी के फेवर में जा रहा है? और बीजेपी के अंदर जो एक लोकतंत्र की बात हमेशा होती रहती है कि बीजेपी के अंदर एक प्रजातांत्रिक, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उस ढांचे के हिसाब से बीजेपी काम करती है, क्या उसका एक बड़ा उदाहरण नहीं कहा जा सकता कि एक विकल्प जब बनता है तो दूसरे विकल्प पर भी फोकस कर दिया जाता, ताकि बीजेपी में नेताओं की कमी कभी नहीं पड़े। चलिए ब्रेक के बाद, इस वक्त चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एके मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, जितेंद्र चौधरी जी कांग्रेस के नेता, फखरुल हसन जी इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कुमार अशोक पांडे जी। एके, कॉमन सेंस ज़्यादा लगता, देखिए बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक सोशल साइंटिफिक एक रिलेशन है इस चर्चा को इसीलिए किया जा रहा है। कॉमन सेंस ज़्यादा लगता, पॉलिटिकल कम लगता, लेकिन यही बात है ना कि अगर कोई कॉमन सेंस वाली खबरें अगर आम लोगों के अंदर ज़्यादा हो जाए, मतलब हावी हो जाए, एक का मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर वो खबरें उसके अंदर, उसके जहन में बैठना शुरू हो जाए किसी नेता के लिए, तो ऐसा क्या मानना ठीक रहेगा कि उस एक बड़ा मूवमेंट होने की तैयारी है, एक बड़े इमरजेंस की तैयारी है, और शायद यही इमरजेंस योगी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया के जरिए, क्या इस पैरामीटर पर बात करना सही लगता है? कि गौरी जी, आपकी बात और आपने जो अभी एनालिसिस की वो एकदम सही है। देखिए जरा सोचिए, बीजेपी में इतने चीफ मिनिस्टर्स पड़े हैं, एमपी के हो गए, राजस्थान के, जो 15-20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। यही तो बात है, यही तो एक नए आदमी को योगी, जिनका प्रभुत्व केवल और केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक था, उसको उठा के आरएसएस या बीजेपी अपना इतने सर पे क्यों बैठा हुए है, क्यों इतना महत्व दे रहा है? क्यों योगी जी ने दूसरे एस्टेब्लिश जो नेता है, मुख्यमंत्री है, उनको पीछे छोड़ दिया और पूरी पार्टी में जो है वो एक चेहरा बन गए, सबकी पहली पसंद बन गए? देखिए होता क्या है इसमें, पहला कंट्रीब्यूशन या जो मतलब मैं बधाई देना चाहूंगा, श्रेय देना चाहूंगा, वो योगी जी का अपना खुद का अपना इंडिविजुअल मैनेजमेंट है। उनके अंदर क्षमता थी, प्रतिभा थी, जब वो बीजेपी से नहीं जुड़े थे तब भी वो पॉपुलर थे। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र या शहर तक ही जिंदगी भर लिमिटेड रह जाते हैं, लेकिन पूरे देश में वो पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। योगी ने इन सारी चीजों को तोड़ दिया, तो पहला श्रेय खुद योगी जी को जाता है बीजेपी के जुड़ने से पहले। अब बीजेपी या आरएसएस क्यों कर रही है? देखिए कुछ पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक लीडरशिप स्टाइल के लिए, वही आदमी आगे बढ़ पाता है। कोशिश सब करते हैं लेकिन पब्लिक सबको अपना नेता नहीं मानती है, बिल्कुल उनका परसेप्शन अपने नेता की तरह वो नहीं बनाती है, वो रिजेक्ट कर देती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक उनको एज ए लीडर उनको अपना मान ही नहीं रही है। योगी में ये सारी खूबियां है, और बीजेपी और आरएसएस वालों ने इन खूबियों को देखा और योगी को क्यों एडिशनल सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। पहला रीजन, एक तो योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके ऊपर पीछे के कार्यकाल का कोई दाग धब्बा या फेल्योर नहीं है, बिल्कुल, यानी विपक्ष को कोई भी उंगली या कीचड़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। हसन जी तो उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो विपक्ष अपना काम करेगा, लॉजिकल, अगर वो उठा रहे हैं तो वो निष्प्रभावी है। बीजेपी वाले इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जरा इंटरनल पॉलिटिक्स देखिए, योगी जी को इतना आगे बढ़ाने का उसके पीछे एक रीजन है। देखिए होता क्या है, जब वार होता है ना तो जितने सिपा सलार आपके पास होते हैं उतना ही आपको फायदा होता है। तो योगी भले ही 2019 में पीएम कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर ना हो, लेकिन टॉप इन्फ्लुएंसियर पूरे, एज ए टॉप इन्फ्लुएंसर पूरे इंडिया में यूज किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है कर्नाटका में, ये गए एमपी में, ये गए विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से रैलियां होंगी। मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे टॉप लीडर है मोदी जी, अपने आप में ब्रांड बने हुए हैं, अब इन्फ्लुएंसर कौन चाहिए? इन्फ्लुएंसर के रूप में योगी जी को पूरे इंडिया में घुमा रहे हैं, क्यों नहीं वसुंधरा राजे जी को घुमा रहे हैं, चौहान जी को घुमा, एमपी वगैरह के जो, या आप देखिए रमन साहब को इन्होंने क्यों नहीं पूरे इंडिया में घुमाया? क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हुई हैं, या पब्लिक परसेप्शुअल वैल्यू जो है उतना उनका नहीं है जितना योगी जी का है। बिल्कुल, मैं देखिए एक इस बात को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। और कुमार साहब, थोड़ी देर पहले तो व्यवहारिक सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इस बार का जो सवाल है थोड़ा कठिन है आपके लिए, इसका जवाब लेकिन दीजिएगा, पिछली बार तो नहीं दे पाए आप, हालांकि व्यवहारिक सवाल था दे सकते थे। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 7-8 महीने पहले आपके बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर थोड़ी शिकन दिखती थी,
गंभीरता दिखती थी, परेशान दिखते थे। और जब विधानसभा चुनाव में जब चुनावी रैलियां हुई, है ना, तमाम तरह की चुनावी सभाएं हुई, तो लोगों के चेहरे खिलने लगे। और उसके पीछे जो बड़ी वजह थी कि धुआंधार जो चुनावी रैलियां योगी जी की तरफ से की गई और उसका जो रिस्पांस देखा गया, उसका असर बाकी नेताओं पर भी दिखा, उनके चेहरे पर भी दिखा, शिकन कम हुई और लोग प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इसकी केमिस्ट्री समझने की कोशिश मैं करने की कोशिश कर रहा था कुमार साहब, कुछ खास तरह के रीज़न है थोड़ा बताइए आप ना। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि आज तक सरकारें यह करो ये ना करो असमंजस की स्थिति में रहती थी। योगी जी का एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत स्पष्ट वक्ता है और हर बात पर स्पष्ट और ठोस निर्णय लेते हैं। आप ये देखिए कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को भी उन्होंने अक्षुण रखने का और उसको मजबूत करने का भी काम साथ ही साथ में किया और साथ साथ में उन्होंने विकास का भी कार्य किया। वो दोनों चीजों पर एक साथ आगे बढ़े। हमारी सांस्कृतिक विरासत विकास की बात रही हो सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री उतने अच्छे तरीके से नहीं बोलती है, वो प्रभावी नहीं है, एमपी के नहीं है। सवाल ये है कि तीन तीन मुख्यमंत्री जो 20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं उनको छोड़कर योगी जी के ऊपर आप लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं सर? सवाल ये है योगी को क्यों प्रीफर कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान योगी जी भरोसे के लायक है? योगी जी भरोसे के लायक हैं? अच्छा, शिवराज सिंह चौहान नहीं है, विश्वास कर रही है? आप ये बोलना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उसी में नहीं एक ऐसा जाएगा ऐसा ऐसा इन्फ्लुएंसेस निकालना वो सुहागिन वो सीधे सीधे बात करें, जिसको पिया माने वो सुहागिन, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। जिसको पिया माने वो सुहागिन, जिसको जनता जानना चाह रही है एक धुआंधार वक्ता है, स्पष्ट अपनी बात रखते हैं, बेबाक राय रखते हैं और उदारता में परिचय दिया। मैंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, रमन सिंह हो गए, जो 20 साल से लगातार प्रधानमंत्री नहीं है कि ऐसा नहीं, जनता एक्सेप्ट कर रही है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। सब अपनी अपनी जगह सब अपनी अपनी जगह नेता है, सबका अपना सम्मान है और योगी जी का अपना कुमार साहब अलग करती है। कुमार साहब देखिए सवाल मेरा बड़ा सीधा रहता है, जो योगी जी का आप उसे बड़ा घुमा घुमा कर स्पष्टता है आप सीधे बोले ना हिंदुत्व कुमार साहब सीधे बोलने में क्या दिक्कत है? जो उनका सीधे बोलिए आप सीधे बोलिए किसकी पूजा होती है? राजा देश में पूजा कुमार साहब थोड़ा सा रुकेंगे, कुमार साहब थोड़ा सा रुकेंगे आप, त्यागी है फजलुल हसन जी, पूजा होती है विद्वान की, फजलुल हसन जी होती है, एक मिनट, नंबर वन है फजलुल हसन जी और वह पूरे स्पष्ट है। फजलुल हसन जी जब किसी लीडर का जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तो उनका भी एक तरह से बड़ा इमरजेंस था। मैं उस वक्त उस चुनाव को बहुत अच्छे से कवर भी किया था जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जब सीएम बने थे, मुलायम सिंह यादव का बड़ा सपोर्ट था, बाद में परिवारवाद के आरोप लगे, बाद में परिवार किस तरह से देखिए खंडित हो गया आप लोगों का। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि इमरजेंस अगर किसी लीडर का होता है तो उसको मेंटेन रखना सबसे बड़ी कवायद होती है। हसन साहब अगर पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे, इसके बाद पीएम बने, उनका भी एक बड़ा इमरजेंस था, अचानक अवतरित हुए और तमाम तरह का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत ही बेहतरीन था, उसके बल पर देश की जनता ने उन्हें पीएम चुना और उसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड योगी जी का है, उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड अखिलेश यादव का नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनका इमरजेंस हुआ और यही वजह था कि समाजवादी पार्टी ने इसको मेंटेन नहीं रख पाया। आप लोग आउटसाइड हो गए, आप लोग आउटसाइड हो गए, इस बात को मानिए। देखिए पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का बिखर चुका है। देखिए मुझे 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 दो मिनट दीजिएगा हमारी बात रखने के लिए। बोलिए आप। देखिए जहां तक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं मानता हूं कि वो चुनाव नहीं आ रहे और चुनाव जहां से लड़े वहां से चुनाव जीते और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी जिस सीट से लोकसभा चुन के आते थे जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसी सीट को वो कितनी बुरी तरीके से हारे, ये आप उनकी ऊंचाइयों को उनकी प्रसिद्धि को आप इस आकलन यहां से कर सकते हैं।
इस प्रदेश में जहां पांच पांच मुख्यमंत्री हो वहां पे आप किसी एक मुख्यमंत्री का आकलन क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पांच मुख्यमंत्री हैं, आप लोग 45 साइंटिफिक आकलन करिए। आपकी पार्टी यूपी इलेक्शन में 250 सीटें सर साइंटिफिक आकलन करिए ना, एप्पल टू एप्पल पैरामीटर। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं मित्र? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बिहेव मत कीजिए सर। रोज मुझे कोई ना कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता बना बेटा हजूर बने, ये आकलन कर रहे हैं इस देश की कि हजूर का बेटा हजूर बने। वो दिग्गज राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, मजदूर का बेटा हजूर बना है, चलिए ठीक है, ठीक है आसन साहब, मैं समझ हजूर का बेटा हजूर बने, परिवारवादी पार्टी ने हजूर का बेटा हजूर बनाया लेकिन मजदूर का बेटा हजूर बने ऐसी भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें परिवारवाद की बात करना भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देता है। एक बड़ी लंबी लिस्ट है पूरे देश में परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी की, पूरा देश जान रहा है परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी डेवलप किया आपने, एक छोटे से घटक और तीन जनपदों तक सीमित कर दिया आप पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर क्यों देते हैं? योगी ने संघर्ष से हासिल किया है, योगी के संघर्ष ने उनको सफलता दिलाई है। ठीक है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, योगी के संघर्ष से सफलता दिलाई है उनको। वो मजदूर के बेटे थे हजूर बने हैं, मजदूर का बेटा हजूर बने। इन मुहावरों से काम नहीं चलेगा, इन मुहावरों से काम नहीं चलेगा। कुमार जितेंद्र चौधरी जी, एक बात जो परिवारवाद को लेकर के उठी, ठीक है, समाजवादी पार्टी क्यों कहेगी कि मेरी पार्टी में परिवारवाद को तवज्जो दी जाती, कांग्रेस वाले भी क्यों कहेंगे? लेकिन देखिए, दिखता तो है, अगर आप हमें झूठा भी कह देंगे, झूठा भी साबित कर देंगे, तब भी आम जनता को तो पता चलेगा कि परिवारवाद किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी है। थोड़ा समय देखिए, मैं मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। बीजेपी के अंदर क्यों भारतीय जनता पार्टी में नहीं है परिवारवाद क्या? कांग्रेस से है ना, एक संत की तरह, एक कह सकते हैं कि सन्यासी की तरह, जिनका पूरी तरह से बिहेवियर है, उनका जीवन है, वो उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए। एक लोकतंत्र तो दिखता है ना बीजेपी के अंदर, क्या इस तरह के पैटर्न को लागू करने के लिए कांग्रेस को नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को नहीं लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अगर कोई अगर कर्मठ है, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, मेहनती है, बड़ा विजन है, तो पीएम बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपके यहाँ तो इस तरह की चीजें है ही नहीं। नहीं नहीं, ये आरोप पहले से भी लगते आ रहे हैं, विपक्ष लगाता रहता है हमारे पास। मैं बता दूं, हिंदुस्तान में तो हर घर में परिवारवाद है। मुझे कोई घर ऐसा बता दीजिए जिसमें परिवारवाद ना हो। मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को न जाए, पड़ोसी को चली जाए, ऐसा ही पार्टी। देखो सुनो, राजस्थान वसुंधरा राजे का बच्चे राजनीति में है, और आपके उनके रमन सिंह का बच्चा राजनीति में है, और आपके उत्तराखंड में ठाकुर साहब हैं, उनके बच्चे राजनीति में। परिवारवाद कहाँ नहीं है? बीजेपी में नहीं है क्या? देखो, ये सब चीज़ें जो है हर जगह चलती है, और परिवारवाद तो पूरे देश में है, पार्टी हमने पूरे देश में ही है। देखिए, मान लिया ना अभी इन्होंने कि नेता लोग क्या कर रहे हैं, पार्टियां क्या कर रही हैं, ये विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, नया किसी आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, इसे लोग बीजेपी वाले बधाई दे रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसको परिवारवाद ऐसा कहीं नहीं है। जो भी माने तो सब जगह चलता है। गांधी परिवार से क्या बनाने के बाद कोई प्रधानमंत्री देश का बना नहीं। पीछे सोनिया गांधी जब जाती बन जाती, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर और मनमोहन सिंह ने दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। पुराना परिवारवाद होता तो स्वयं प्रधानमंत्री कुमार साहब एक अहम सवाल आपसे पूछना जरूरी था। कुमार साहब सुने, थोड़ा सा कुमार साहब सुने कि नीचता के लिए पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है। कुमार साहब, नीचता के लिए पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए आपको।
शब्द बोल सकता हूँ आपके बारे में कठोर। अरे पांडे सर आप जिन शब्दों का बोल रहे हैं गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैंने आपके लिए गलत नहीं बोला ना, आपकी पार्टी के लिए मैंने गलत बोला है। आप शब्दों का बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, आपको हार्दिक के लिए आपका जाने का समय आ गया है। आपका भी बोल सकता है कांग्रेसी होना चाहिए। एक चीज ये बताइए योगी जी के अंदर ऐसे क्या खास चीजें हैं जो कि आपने अपने तीन जो 15 साल से सीएम है उनको पीछे छोड़ के बीजेपी ने योगी जी को आगे कर दिया। ये तो बड़ा अन्याय हुआ सर। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के जो 20 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सर, आप अपनी पार्टी का उत्तर दीजिए ना। हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। ये नफरत आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राजे की सरकार से नफरत किसी के पास खड़ा हो रहा है? एक थोड़ा रुकिए, एक रुकिए, जितेंद्र चौधरी थोड़ा रुकिए। क्या ऐसा हुआ कुमार साहब? आप मुझे ये बताइए, कुमार अशोक पांडे जी किस राजनीतिक पार्टी आप मंदिर पांडे जी की बात करने लगी, मंदिर में पांडे जी करने लगी। पांडे जी थोड़ा सा सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए पांडे जी, सवाल तो सुनिए। काटने लगा कोई अपना गोत्र बताने लगा पांडे जी, सवाल तो सुनिए रहने दीजिए। ऐसा क्या हुआ पांडे जी करने के लिए? चौधरी साहब थोड़ा भगवान जरूरत होती है पांडे साहब जी ने किया। पांडे जी थोड़ा सवाल सुन ले, सवाल देखिए। ठीक है ठीक है, बहुत देर से हम लोग किस बात के लिए मोदी कर रहे हैं, किस बात के लिए भैया? सवाल तो बता तो दीजिए पांडे जी, सवाल तो सुनिए। सवाल यह है कि ठीक है सोशल मीडिया पर योगी जी छाए हुए हैं, जमीनी लेवल पर एक्शन मोड में योगी जी दिख रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की घटनाएं नहीं रुक रही है। अशोक पांडे जी इसका भी तो जवाब दीजिए थोड़ा सा। लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग जगहों से जिस तरह की खबरें आती हैं, है ना। अब बुलंदशहर उससे पहले तमाम जगहों की जो खबरें हैं, देखिए बहुत ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए इस पर। जवाब जब तक सही सही नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर लीजिए। सोशल मीडिया पर चाहे 25 और 50 लाख के 1 करोड़ आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे उससे क्या? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के शासन में आतंकवाद नहीं हुआ, एक भी आतंकी घटना नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी टोटल सिर्फ सर क्या बात कर रहे हैं आप? एक आप बोलोगे एक भी आतंकवाद नहीं हुई है? क्या बात कर रहे हैं आप? सर क्या होगा कितने जवान पूरे देश भर में माओवादी दिए जा रहे हैं और किसी चैनल बैठ के भाषण दे रहे हैं? कोई जानकारी नहीं है। और जहां तक जो भ्रष्टाचार अभी अभी देखिए पंजाब में जो है कौन गुरु है, धर्म गुरु गुंडे फटा था ना उनके शिविर में, तो वो आतंकी घटना नहीं थी सर? पूरी तरह से गिरावट सर आपकी श्रद्धा की हद होती है सर। पूरे तौर पे गिरे हैं और अभी पंजाब में एक जो धर्म गुरु है जो उनके शिविर में बम फटा था वो क्यों हो गया सर? आज दंगा नहीं है तो आपकी गवर्नमेंट है ना? बहुत पहले बुलंदशहर में दंगा हुआ है, बहराइच में, मैं बता सुनिए मेरी बात, बहराइच में तुम्हारा बीजेपी विधायक आपको शर्म नहीं आती है? व्यक्तिगत घटना पे कार्रवाई की गई है सर, व्यक्तिगत कार्रवाई की गई है। इसकी बात करिए, कोई कार्रवाई नहीं है पंजाब में, आपने बांटो राज करने की बात की, अंग्रेजों ने उसका पति मरा है, आपने पूरे देश को बांट के रख दिया, शहीद हुआ है, क्या उसका पति वापस ला सकते हो? पात्रता की जरूरत नहीं है, बाप मरा है, क्या उसका बेटा वापस ला सकते हो? आप देश को बताइए सर, पंजाब भी मरा है, स्वामी जी बहन देव अपने आश्रय है जो बम फटा था आपका ऐसा क्या कारण पड़ गया? जवान शहीद हुआ है, जवान अपमान करते हो, ऐसा क्या कारण पड़ गया कि आप सत्य बोलने से घबरा रहे हैं? आपको शर्मिया दी चाहिए, सत्य बोलिए, सत्य को स्वीकार भी करना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कैसा नहीं है कि आप इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप सत्य को स्वीकार हिम्मत चाहिए, बस करें सत्य बोलने की बात करें। ठीक है साहब, चौधरी साहब थोड़ा सा रुकेंगे, अशोक पांडे जी की गोत्र की बात, अशोक पांडे जी थोड़ा सा रुकिए, बिना रुके बिना रुके बिना सवाल सुने कुछ ही बोलना ठीक नहीं है। चौधरी साहब रुकेंगे अशोक पांडे जी थोड़ा सा रुकेंगे। फखरुल हसन जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हसन साहब, हम कहीं भी जाए हसन साहब, हसन साहब समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय अखिलेश यादव,
मैं अगर गलत पहले क्या टोपी पहन के बता रहे थे क्या मुसलमान है? एक मिनट अशोक पांडे जी, मुसलमानों की बात करते रहे अशोक पांडे जी, समाजवादी करते रहे समाजवादी, आपको आईना समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अखिलेश यादव, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव मुसलमानों में आप ही की, अखिलेश यादव के पास, एक मिनट चौधरी साहब सवाल, चौधरी साहब अखिलेश साधनों से, एक मिनट अशोक पांडे जी रुके, सफलता साधना से मिलती है, अशोक पांडे जी थोड़ा सा रुके, साधना से मिलती है, हसन जी साथ भी लीजिए, हसन जी साल पे क्यों आ गए? मैं चौधरी साहब को बता, डेढ़ से पौने दो साल बीजेपी की सरकार हो गई है ना, इसके बाद जो बड़ी बड़ी चुनौतियां पार्टी के अंदर आई, समाजवादी पार्टी के अंदर, और जिस तरह से योगी जी का इमरजेंस हो रहा है, अगर आप ना माने या जैसे भी माने, सोशल मीडिया के पैरामीटर को माने या जैसे भी माने, या जन जन का नेता ना माने, तब भी जो चीजें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से मैं बात करना चाह रहा हूं। आप लोगों के लिए चुनौतियां और बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी को संगठनात्मक लेवल पर और मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें और सारा फेवर अब योगी की तरफ पूरी तरह से खिसकता जा रहा है, आप लोग का जनाधार घटता जा रहा है, क्या इस तरह की बात है कोई किसी पैरामीटर पर? आप मेरी बात सही लग रही है आपको? देखिए मैं बताऊं कि संगठन के जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी अपना संगठन को बहुत अच्छी तरीके से, नीचे से हमने जो काम किया है, डेढ़ साल से हम संगठन पे ही काम कर रहे थे, हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। जहां तक बात आप पोस्टर बॉय माननीय अखिलेश यादव जी की कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और आसपास हार नहीं हुई है। तो ये जो बौखलाहट है, ये जो चीजें नजर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नजर आ रही है, आप हमसे कहते हैं कि हम लोग की गिरावट आ रही है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी क्यों उन्हें छोड़ के भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सांसद क्या ध्यान नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी की सांसद की इस्तीफा से 40 साल इनके सहयोगी इनकी पार्टी के नेता ये से पूछना चाहिए जनता पार्टी वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें चूहे निकल के भाग रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज 2019 में डूब जाएगा। ये जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना ले, चाहे साथ बलात्कारी है पांडे जी, आपके विधायक बलात्कारी है, सैनिक शाम यादव ये समाज से बनता है, आपने कहा कि शाम की दवा से ठीक होनी चाहिए, एक बहुत ही कम शब्दों में बनती हो जाती है, आपने 40 साल से जिन लोगों से बचा नहीं दिया, और ये सवाल जिस साथ का बहुत अलग तरीके से किया जाता है, जवाब देने की बड़ा सुंदर तरीके से आप मारा दोस्तों, आप खुद सामने बलात्कारों में हसन साहब कह रहे थे कि डेढ़ साल से रविया ने सुनता की सोच है, आप तो बता दो डेढ़ साल से ज्यादा पोलिटिकल ड्रामा समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ, और जिस नेता के हाथ जिस संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी थी, वही नेता समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, एक तो फिर किस पैरामीटर पर बात कर रहे हैं हसन साहब? देखिए मैं आपको बताऊं बहुत कम शब्दों में, चूंकि समय खत्म हो गया, देखिए क्या है, इंडिविजुअली देखा जाए तो उभरते हुए नेताओं में यूपी में देखा जाए तो अखिलेश यादव को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, इन्होंने अतीक अहमद को स्टेज से हटा दिया था कि हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे, अपने आप में ये एक बहुत ही मजबूत इरादे वाली बात होती है। हुआ क्या, अखिलेश यादव जी लाचार कहां हो गए, उतना उनको अनुभव नहीं था, और जब घर वाले ही टूटना शुरू हो गए तो वो कमजोर हो गए, अगर ये घर वालों ने इनको साथ दिया होता, मे बी पॉसिबल कि बाहर की पार्टियों ने भी ये साजिश रची हो, कुछ भी होता है, ये होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर ये पूरी समाजवादी एक साथ रही होती और अखिलेश यादव को ट्रू वे में लीडर मान के आगे बनी होती ना, तो अखिलेश यादव एज ए लीडर की तरफ बहुत ही ज्यादा अपीलिंग उनका है, लेकिन अब ठीक है, हार जीत होनी है, लोग षड्यंत्र करते हैं, बाहर के लोग अंदर के लोग भी करते हैं, तो दो तीन फांक में जो बटना, मुलायम सिंह यादव कुछ और बोल रहे हैं, ये दो तीन लोगों ने जो अखिलेश यादव को छोड़ दिया ना, अदरवाइज उनके अंदर भी मुझे गजब की प्रतिभा दिखती है नए उभरते हुए अगर नेताओं में देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा कि अखिलेश यादव भी कम से कम इस परेशानी या इस दिक्कत से उभरेंगे, और डेफिनेटली उनका भी कैरियर मुझे काफी अच्छा लगता है अगर नए उभरते हुए नेताओं चले ठीक है, न्यू जनरेशन लीडरशिप देखा जाए तो। शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए, वक्त आपने निकाला जितेंद्र चौधरी जी, वक्त आपने दिया, शुक्रिया आपका। कुमार अशोक पांडे जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन एक गुजारिश है, थोड़ा सवाल भी थोड़ा सा सुन लिया करें, ठीक है, काउंटर बहुत जरूरी होता है, लेकिन सवाल भी सुन करके उसका सही सही जवाब दिया करें। फखरुल हसन जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, समाजवादी पार्टी के नेता आप सभी का, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों ने यहाँ आने के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।